पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज विशेष में हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल दिया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में एक ऐसी जंग से लोगों का वास्ता पड़ा जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। 4 साल से ज़्यादा समय तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। जंग की व्यापकता और तबाही को देखते हुए ही इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। इस लड़ाई में औसतन हर दिन 6,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था। नहीं चाहते हुए भी भारत को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। भारतीय सैनिकों को दुनिया के कई देशों में युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। इस युद्ध में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 74,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। विपरीत परिस्थिति और संसाधनों के अभाव के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई। भारतीय सैनिकों के हौसलों और कुर्बानी का ही नतीजा था कि ये युद्ध के बाद भी दुनिया में ब्रिटेन का वर्चस्व बना रहा। आज विशेष में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान की, साथ ही जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता और याद में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं स्मारक और संग्रहालय। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया ने 20वीं सदी से पहले अनगिनत युद्ध देखे थे, लेकिन नई सदी के दूसरे दशक में एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जैसी संसार में पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस युद्ध ने, जिसे पहला विश्व युद्ध कहा गया, पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। भारत, जो कि उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था, उसे ना चाहते हुए भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे हमेशा हम याद रखेंगे। आइए जानते हैं पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कैसे अपना योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध के समय भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन के युद्ध में शामिल होते ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी युद्ध में कूदना पड़ा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अफसर ज्यादातर अंग्रेज थे, लेकिन सैनिक भारतीय। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने यूरोपीय, भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अपने अपने अनेक डिवीजन और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया था। कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कमीशन के मुताबिक अविभाजित भारत से 11 लाख सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। इस अविभाजित भारत में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा शामिल थे। अगर आज के भारत की बात करें तो सिर्फ भारत से 10 लाख सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 62,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए मारे गए, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 67,000 से ज्यादा थी। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सैनिकों को इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए करीब 9,500 से भी ज्यादा वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। माना जाता है कि जर्मन सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ही हराया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जर्मनी, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। याप्रेस के पहले युद्ध में खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। युद्ध के दौरान भारतीय डिवीजनों को मिस्र, गैलीपोली भी भेजा गया। इसके अलावा लगभग 7 लाख सैनिकों ने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं दी थी। दरअसल 1914 में भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी, जिसकी कुल क्षमता 2,40,000 सैनिकों की थी और नवम्बर 1918 तक इसमें 5,48,311 लोग शामिल हुए, जिसे इंपीरियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व माना जाता था। इसे नियमित रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर घुसपैठ और छापों से निपटने और मिस्र, सिंगापुर तथा चीन में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सैन्य मोर्चेबंदी में लगाया गया था। हिंदुस्तान की फौज उनके साथ नहीं होती तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों के लिए जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने में ब्रिटेन का साथ दिया
तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख इंडियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया। कई इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स लगाई गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट किया गया और काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की फोर्सेस को जर्मनी के खिलाफ में ईस्ट अफ्रीका में दाखिल किया गया, इजिप्ट में, बेल्जियम में, फ्रांस में, मिडल ईस्ट में, और 700,000 ट्रूप्स को ओटोमन एम्पायर के खिलाफ मेसोपोटामिया में लगाया गया। और हिंदुस्तान के तकरीबन 74,187 जवान शहीद हुए, उतने शहीद तो शायद अंग्रेज़ों के भी नहीं हुए, और लगभग 67,000 जो हैं इंजर्ड हुए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो हिंदुस्तान की फ़ौज का योगदान था वो इतना गजब था कि उसके बिना किसी भी हालत में ना तो तुर्की को, ऑटोमन एम्पायर को चेकमेट किया जा सकता था अंग्रेज़ों के माध्यम से, और ना ही जर्मनी को। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सेना का प्रवेश तुर्की में स्थापित एक निजी तेल कंपनी एंग्लो पर्सियन पर कब्जा जमाने और युद्ध में सहयोग के लिए इंपीरियल जनरल स्टाफ की मांग पर सितंबर 1914 के अंत में एक भारतीय सैन्य दल को यूरोप भेजने के साथ हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना का गठन कर इसके 7 अभियान बलों को विदेशों में भेजा गया। सबसे पहले अभियान बल ए यानी इंडियन एक्सपेडिशनरी फोर्स ए के तहत 1,50,000 प्रशिक्षित जवानों के साथ 2 घुड़सवार सेना और 2 पैदल सेना के डिवीजनों को भेजा गया। इस फोर्स ने मॉरलिसेस, येप्रेस, सेलिएंट और लाबेसी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके बाद 1914 में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के गवर्नर की मांग पर जर्मन सेना से लड़ने के लिए अभियान बल बी भेजा गया, जिसने टांगा के युद्ध में भाग लिया। भारतीय अभियान बल सी 1914 में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में सेवा के लिए गठित दूसरा सैन्य बल बना। इस सैन्य बल का इस्तेमाल मुख्य रूप से युगांडा रेलवे के निगरानी और संचार सुरक्षा कार्यों में किंग्स अफ्रीकन राइफल्स का समर्थन करने के लिए किया गया। वहीं विदेश में सेवारत भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य बल लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन निक्सन के कमान के तहत मेसोपोटामिया में भारतीय अभियान बल डी था। दरअसल मेसोपोटामिया का अभियान मुख्य रूप से एक भारतीय सेना का अभियान था, क्योंकि इसमें शामिल ब्रिटिश डिवीजन भारतीय ब्रिगेडों में शामिल ब्रिटिश बटालियनों के रूप में थी। इस युद्ध के दौरान 5वां भारतीय अभियान बल ई था, जिसने फिलिस्तीन में काम किया, जबकि भारतीय अभियान बल एफ का गठन 1914 में मिस्र में स्वेज नहर की सुरक्षा के लिए किया गया था। भारतीय सेना के अंतिम बल जी को अप्रैल 1915 में गैलीपोली अभियान को मजबूत करने के लिए भेजा गया। क्रिथिया के तीसरे युद्ध में इस दल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको पता है 1914 की ऑटम में भारत के जवानों ने फ्रांस और बेल्जियम के अंदर जर्मन्स को रोका था, जो पहला 1914 में उनको रोका गया था, तो वो ट्रेंचेज बनाई हुई थी और भारत के जवानों ने हैंड टू हैंड फाइट करके जो अपना जर्मनी के सैनिकों को रोका था। तो एक प्रकार से भारत के जो सैनिक हैं, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका में, चाहे वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर, चाहे वो मेसोपोटामिया में, चाहे वो यूरोप में, उनकी वीरता की गाथाएँ बहुत हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो काबिलियत है। इन अभियानों के अलावा कई अन्य अलग अलग स्थानों पर भी भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। इस युद्ध के दौरान सिख सैनिकों ने अपने शौर्य से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। उस समय ब्रिटिश भारत में सिखों की आबादी 2% से भी कम थी, लेकिन जंग में शामिल ब्रिटिश सेना में उनकी तादाद 20% से ज्यादा थी। युद्ध के 4 सालों के दौरान भारत से करीब 2 लाख जानवर बाहर भेजे गए। इसमें घोड़े, खच्चर, टट्टू, ऊंट, बैल और दूध देने वाले मवेशी शामिल थे। इनमें हजारों खच्चर और टट्टू ऐसे भी थे जिन्हें बाहर से भारत लाकर प्रशिक्षित किया गया था और फिर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें भेजा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने न केवल युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवाया, बल्कि अलग अलग मोर्चे पर भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। इस दौरान भारतीय सैनिक चिट्ठियों की पड़ताल, सेंसर विभाग में काम के अलावा खुफिया काम भी किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने का भारतीय सेना का लंबा इतिहास रहा है। देश की इज्जत पर आंच ना आने देने के लिए हजारों भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान देकर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की।
देश की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च मानते हुए पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में देश समेत दुनिया के कई देशों में युद्ध स्मारक बने हुए हैं। आइए जानते हैं कहां कहां बने हैं भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक। सौ साल पहले हुए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ने वाला हर छठा सैनिक भारतीय था। आज इस युद्ध को हुए 100 साल बीत गए। इस लड़ाई में देश के सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए कई स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है दिल्ली के दिल में स्थित इंडिया गेट, जो उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इंडिया गेट का निर्माण भारतीय सेना के उन शहीदों की याद में करवाया गया जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1931 में पूरा हुआ ये स्मारक ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल नाम से जाना गया। आज ये स्मारक पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है, जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं। 1931 के अंदर उन्होंने एक स्मारक बनाया जो कि आज बोलते हैं इंडिया गेट, जो कि इंडिया गेट है, जो कि अभी आपको पता है न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया गेट में है, और उसके अंदर 1931 में बना, और उसमें जितने भी फौजी ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाई थी उनके नाम लिखे गए हैं। और ये अभी जो वार मेमोरियल है वर्ल्ड वार वन का है एक्चुअली, जो कि इंडिया गेट पे है, उसको अब वर्ल्ड वार टू का भी नाम लिखे गए हैं 1965 और 1971 के अंदर भी जो शहीद हुए हैं उनके लिए हैं। देश के अलावा पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में विदेशों में भी कई स्मारक बने हुए हैं। इनमें से एक है अमेरिका के कंसास सिटी में स्थित नेशनल वर्ल्ड क्लास फर्स्ट म्यूजियम और मेमोरियल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया ये संग्रहालय प्रथम विश्व युद्ध को समर्पित है। इस संग्रहालय में पहले विश्व युद्ध और उससे पहले की घटनाओं का संग्रह किया गया है। इसका मकसद पहले विश्व युद्ध को याद करना, उसकी व्याख्या करना और वैश्विक समुदाय पर पड़े इसके दुष्प्रभाव को याद दिलाना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश रॉयल आर्मी के अधीन भाग लिया। जर्मन सेना से फ्रांस की रक्षा करते हुए 4,742 भारतीय सैनिक वहां शहीद हो गए थे। इनकी याद में फ्रांस के न्यू वे चैपल में युद्ध स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज है। ये युद्ध स्मारक उन जाबाज भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है जिन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस पर लिखा गया है कि उनका नाम हमेशा के लिए रहता है। इसी तरह भारत में शहीदों की याद में बनाई जाने वाली छतरी को ध्यान में रखकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 12,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में इंग्लैंड के ब्रिस्टन में छतरी स्मारक बनाया गया है। यहाँ मारे गए सभी भारतीय सैनिकों का रिकॉर्ड दर्ज है। इस युद्ध में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने जर्मन और तुर्क सेना का जमकर मुकाबला किया था। इस युद्ध में अकेले तुर्की में 1516 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों की याद में गैलीपोली में समुद्र के किनारे शहीद स्मारक बनाया गया। बेल्जियम के यप्रेस में प्रथम विश्व युद्ध के लापता हुए सैनिकों की याद में मेनिनगेट मेमोरियल बनाया गया है। इनका निर्माण जुलाई 1927 में किया गया। यूके में स्मारक बनाए गए हैं, फ्लैंडर्स में स्मारक बनाए गए हैं, जर्मनी में स्मारक बनाए गए हैं, फ्रांस में स्मारक बनाए गए हैं, बेल्जियम में स्मारक बनाए गए हैं, यहाँ तक के इवन शायद अमेरिका में भी इंडियन ट्रुप्स की कुर्बानियों को देख के स्मारक बनाए गए हैं। लेकिन जिस देश के सैनिक थे उनकी यादगार में दूसरे देशों ने अपने यहाँ स्मारक बनाए और एनुअली उनको मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, और जहाँ फंक्शन होते हैं तो इंडियन सोल्जर्स को और इंडियन सरकार को भी न्योता देते हैं। इस माफिक का उछाल तो हिंदुस्तान को होना चाहिए था। दुनिया के इन देशों में जाने वाले भारतीय अपने सैनिकों के स्मारकों को देख गर्व से भर उठते हैं। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर वीरता की गाथा लिखी, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं ये स्मारक और ये संग्रहालय। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने दुनिया का नक्शा, खूलिया और इतिहास सब कुछ बदल दिया।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। आइए नजर डालते हैं इस युद्ध से जुड़े कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। ये युद्ध दुनिया के तीन महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच जल, थल और आकाश में लड़ा गया। इस युद्ध की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और इससे 2 गुने लोग घायल हुए। बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। 8 लाख सैनिक तो लापता हो गए। 4 साल से ज्यादा चले इस युद्ध में करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे हुई क्षति के व्यापक आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। 30 से ज्यादा देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। अब सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी ओर धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 में शामिल हुआ। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बाद में इस मामले को लेकर विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अन्य देश भी धीरे धीरे दोनों गुट में शामिल होते चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने अपनी सेनाओं को लामबंद करना शुरू किया। हालांकि तत्काल जर्मन आक्रमण रूस पर नहीं बल्कि बेल्जियम और फ्रांस पर हुआ। फ्रांस सरकार ने खतरे को भांपते हुए पहले ही लामबंदी का आदेश दे दिया था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की सेना 4 अगस्त को फ्रांस पर हमला बोलने के लिए बेल्जियम में घुस गई और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब धीरे धीरे युद्ध का विस्तार होने लगा। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। कई दूसरे देश जल्द ही युद्ध में शामिल हो गए। जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो ब्रिटेन के साथ एक समझौते में शामिल हुआ। जापान का मुख्य लक्ष्य सुदूर पूर्व में जर्मनी के इलाकों पर कब्जा करना था। अब तक ब्रिटेन का पुराना सहयोगी पुर्तगाल भी युद्ध में शामिल हो गया। 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की के क्षेत्रों को देने का वायदा किया था। बाद में रोमानिया और यूनान भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ आ गए। बुल्गारिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। बुल्गारिया को सर्बिया और यूनान के क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। तुर्की ने नवंबर में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। दुनिया के दूसरे हिस्सों के कई दूसरे देश भी युद्ध में शामिल हुए। अमेरिका इस युद्ध में करीब 3 साल बाद शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट के जरिए इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद 6 अगस्त 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लूसीतानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में से 128 लोग अमेरिकी थे। आहिस्ते-आहिस्ते बाद में अमेरिका भी आया और जब अमेरिकन ट्रूप्स आए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर अमेरिकन ट्रूप्स और ब्रिटिश ट्रूप्स और ये जो इंडियन ट्रूप्स है, इन्होंने मिल के वर्ल्ड वॉर के जो अंत है उसको वास्तव में अंग्रेजों के और वेस्टर्न वर्ल्ड के हित में कर दिया। युद्ध में आपको पता है परिणाम यह था कि जर्मनी बुरी तरह हार गया था और जर्मनी जो एक प्रकार से प्रिजनर बना लिए गए थे और अलाइड फोर्सेज की विजय हुई थी। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की जीत हुई, लेकिन बाद में हालात बदलने लगे। जर्मनी ने कई व्यापारी जहाजों को डुबो दिया। हालांकि बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की ताकत के आगे जर्मनी कमजोर होता गया। जुलाई 1918 के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को कई जगहों पर परास्त किया। इसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया की गुजारिश पर
11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब हम उन हालात और कारणों पर एक नजर डालते हैं जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिलहाल विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत बाल्कन क्षेत्र से हुई थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध का दंश झेलना पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद की नीति चरम पर पहुंच गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए साम्राज्यवाद से उपजे हालात का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। यूरोप के सभी प्रमुख देश साम्राज्यवाद की इस दौड़ में शामिल हो गए थे। ब्रिटेन इसकी अगुवाई कर रहा था, दुनिया के कई देशों पर उसका आधिपत्य था। साम्राज्यवाद की ये आग एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों तक भी फैल चुकी थी। यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते थे कि अफ्रीका और एशिया में उनके उपनिवेशक ज्यादा से ज्यादा फैलें। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है राष्ट्रवाद की भावना। खासकर बाल्कन देशों में उभरे राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए चिंगारी का काम किया। ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के प्रभुत्व में रहने वाले बाल्कन देशों ने आजादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं। गुप्त संधियों को भी प्रमुख विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण माना जाता है। ये गुप्त संधियां यूरोप के देशों के बीच में शक्ति संतुलन के लिए होती थीं। इस तरह की पहली प्रमुख संधि 1882 में हुई। ये संधि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जर्मनी और इटली के बीच हुई थी, जबकि दूसरी प्रमुख संधि 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई थी। 1907 में इस संधि में रूस भी जुड़ गया। गुप्त संधियों के जरिए अलग अलग देशों का गठबंधन बनने लगा। सैन्यकरण और हथियारों की होड़ ने भी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। ब्रिटेन और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति से तेजी से विकास का रास्ता साफ हुआ। इन देशों ने अपनी सैनिक शक्ति को चरम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिशें की। मशीन गन का आविष्कार भी इसी समय हुआ था और पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में ही मशीन गनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े जहाज बनाए गए जिन पर अत्याधुनिक किस्म की बंदूकें लगाई गई थीं। इसी विश्व युद्ध में पहली बार ब्रिटेन ने टैंक का इस्तेमाल किया था। यूरोप ही नहीं, दुनिया भर में सैन्य शक्ति के विकास का एक नया दौर चल पड़ा था। बिस्मार्क ने 1871 में 29 छोटे छोटे जर्मन वासियों के राज्यों को मिलाकर जर्मनी नाम के एक बड़े देश राज्य का गठन किया। फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने फ्रांस के ही दो प्रदेशों एल्सास और लोरेन पर जर्मनी का अधिकार स्थापित किया था। फ्रांस जर्मनी से अपनी इस पराजय का प्रतिरोध लेना चाहता था। 1882 में फ्रांस पर भय कायम करने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली से संधि की। इस संधि से जर्मनी की स्थिति काफी मजबूत हुई और फ्रांस को हर समय जर्मनी के आक्रमण का भय बना रहा। 1890 में बिस्मार्क के पतन के बाद वहां के सम्राट विलियम कैसर द्वितीय ने जर्मनी को संसार की श्रेष्ठतम शक्ति बनाने की इच्छा पाली। उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना का उदय हुआ। जर्मनी के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने और शक्ति संतुलन साधने के लिए ब्रिटेन ने रूस और फ्रांस से संधि की। जर्मनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूर्व की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जर्मनी ने तुर्की से मित्रता की और वहां अपने प्रभाव का विस्तार किया। उसने बाल्कन प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया की नीति का समर्थन कर रूस की नीति का और बाल्कन राज्यों की राष्ट्रता की भावना का विरोध किया। जर्मन जो थे बड़े स्ट्रांग हो गए थे, बड़े एम्बिशियस हो गए थे और वो पूरे यूरोप को एज पार्ट ऑफ जर्मन एम्पायर बनाना चाहते थे। साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर भी थे, वो भी काफ़ी उछला हुआ था। तो ये दोनों जर्मनी और टर्की जो थे ऑटोमन एम्पायर, ये इकट्ठा होकर पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया था। और उस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटिश फोर्सेज एंटर की वर्ल्ड वॉर में। इन सब कारणों से जो हालात बने उससे दुनिया के तमाम देश 1914 के आते आते तक प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े थे। बस अब एक चिंगारी की जरूरत थी। 28 जून 1914 को सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने इस चिंगारी का काम किया। इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी कहा जाता है।
पहले प्रिंस फर्डिनेंड जो था ऑस्ट्रिया का, उसका वध किया गया। उसके वध के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। जब नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया के सामने तबाही और नुकसान का वो मंजर था जिसे अब तक कभी नहीं देखा गया। चार बड़े साम्राज्य, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमैन साम्राज्य का अंत हो गया। अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा। यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित एकतंत्र और राजतंत्र खत्म हो गया। जनवरी 1919 से जनवरी 1920 कई दौर में पेरिस में विजयी देशों का सम्मेलन हुआ। इसमें पराजित देशों पर लागू की जाने वाली शांति की शर्तों को तैयार किया गया। इससे ही लीग ऑफ नेशंस के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। जर्मनी को 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया गया। इस संधि से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर जर्मनी के अधिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। 1921 तक जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को $5 अरब देने को कहा गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।